हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट 10 पावर का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज बनाएंगे एक पावरफुल एम्पलीफायर जो एक ट्रांजिस्टर से, ठीक है। इसलिए हमको लेना है एक ट्रांजिस्टर। देखिए 2SC5200 एक ट्रांजिस्टर लेना है, ठीक है। और एक कैपेसिटर लेना है 2200 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, ये भी चलेगा 1000 माइक्रोफैराड, और आपका 3535 वोल्ट का ये भी चलेगा। और एक लेना है आपका 1K रेसिस्टर, देखिएगा 1K रेसिस्टर, और एक पोटेंशियोमीटर 50K, ठीक है। और एक उफार भी ले सकते हैं, देखिए उफार हमने लिया, कोई भी उफार चलेगा, 4 ओम्स का है, 35 वाट का, ठीक है, 35 वाट का एक स्पीकर है, ये ले लिया। तो चलिए इसको पहले इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए देखिए एक हीट सिंक लेना है, ए वाला जो ट्रांजिस्टर है बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो एक हीट सिंक लिया है, देखिए अच्छा रहेगा। तो चलिए हीट सिंक के साथ पहले इसको लगा देते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इसके साथ लगा देता हूँ। तो चलिए देखिए ये लगा दिया, और इसका देखिए 1 नंबर पिन, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। इसके लिए देखिए ए वाला जो कैपेसिटर का नेगेटिव कैथोड है, वो कैथोड के साथ हमें 1 नंबर पिन का सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देते हैं। लीड जो है बड़ा हो गया, तो ये लीड थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको सोल्डरिंग थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो आपका सोल्डरिंग हमें अच्छा होगा। थोड़ा सा पेस्ट भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हमें यहाँ पे देखिए इसके साथ इसको लगा दिया। उसके बाद देखिए ये पोटेंशियोमीटर जो है, ये पोटेंशियोमीटर को भी हम लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये ग्लू जो है, ये ग्लू से लगाएंगे इसको, पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा ग्लू ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा लेने से हो जाएगा ये। तो देखिए ये नाम दे दिया, और इसको ऐसे चिपक दिया, थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, ठीक है। और इसका पहले वाला जो लीड है थोड़ा सा काट देता हूँ। तो देखिए, और इसका जो कैपेसिटर का जो एक पॉजिटिव है उसके साथ इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, और बाजेगा भी जोमदार। इसके साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे, और दोनों स्पीकर लगाएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा से बाजेगा, ठीक है। तो चलिए ये हमने अच्छा सोल्डरिंग नहीं हो रहा है, हवा हो रहा है, ठीक है। इसके साथ देखिए कनेक्ट हमने कर दिया, ठीक है। और अभी देखिए ये 1K रेसिस्टर को थोड़ा सा लीड छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और 1 नंबर और 2 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, ये आपका ए वाला जो 52 जो 1000 का आपका जो ट्रांजिस्टर है, वो ट्रांजिस्टर का 50 से 60 रुपया इसका लगेगा, पोटेंशियोमीटर इसका लेगा 20 रुपया, ठीक है। चलिए इसके साथ इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए इसको हमने लगा दिया, ठीक है। और देखिए एक दूसरी 12 वोल्ट का हमने एडोप्टर लिया है, देखिए ये आपका 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडोप्टर लिया है, जो इधर से कनेक्ट होगा, ठीक है, और स्पीकर भी होगा। चलिए फिर स्पीकर को पहले इसके साथ केबिल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्पीकर का केबिल लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर का 3rd नंबर पिन और पोटेंशियोमीटर का 1 नंबर पिन, इसको हम ए वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, किसी के साथ
ये टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ अपन एक नंबर पिन का कनेक्शन होगा, देखिएगा। ये आपका कनेक्शन एक नंबर और तीन नंबर कनेक्शन हो गया। इसके बाद देखिए आपका ये जो स्पीकर है, स्पीकर का जो आपका स्पीकर है, स्पीकर का नेगेटिव पॉजिटिव देखिए, पुराना वाला स्पीकर है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखा है, लिखा होगा तो देखिएगा। जब लिखा होगा तब क्या करेंगे, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव आप ये मिडिल में लगाएंगे, ये ट्रांजिस्टर का मिडिल में लगाएंगे, ठीक है, लिखा होगा तो, नहीं होगा तो देखेंगे, हमको ये चेक नहीं किया तो ये समझिए पॉजिटिव लगा दिया। और जो है और ये एडोप्टर लिया है जो 12 वोल्ट का ऑपरेट करेगा, ये देखिए 12 वोल्ट 1 एम्पियर का, ठीक है। तो इसका जो है पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया और नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव होगा इस वाला पॉजिटिव का, और इसका पॉजिटिव का ऐसे पहचानेंगे, देखिए ये वाला देखिए फुल ब्लैक है, फुल ब्लैक मतलब ये नेगेटिव है और थोड़ा सा सफ़ेद होगा, वाइट होगा तो ये पॉजिटिव है। तो इसका क्या होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा सोल्डरिंग ही कर देता हूँ, नहीं तो छूट जाएगा। ये सोल्डरिंग कर दिया और इसका जो एडोप्टर का जो हमने ये वाला नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव के साथ ये वाला पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव के साथ ये वाला आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ होगा आपका, हमने थोड़ा सा भूल कर दिया यहाँ पे, तो ठीक ही है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, ये सफ़ेद वाला थोड़ा सा सफ़ेद है, इसके साथ इसको सोल्डरिंग करना है, थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देता हूँ। आपका स्पीकर में लिखा होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, स्पीकर का शायद पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया। और इसका जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है इसका ट्रांजिस्टर का जो थर्ड नंबर पिन है, वो थर्ड नंबर पिन पे ये लग जाएगा, देखिए थर्ड नंबर पिन में हमने लगा दिया, देखिए कनेक्शन पूरा हो चुका। तो इसके बाद देखिएगा हमने इसे मोबाइल से चलाने के लिए आप ब्लूटूथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्शन लगा सकते हो वहाँ पे 5 वोल्ट देकर, जैसे आपको दिखा रहा हूँ कहाँ गया, ऐसे मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, बैटरी के वोल्टेज दीजिए और यहाँ पे जो कनेक्शन होगा स्पीकर में कनेक्शन होगा वो स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे लगा दीजिए और ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसको बाद में देखेंगे, ये वाला दिखाता हूँ। इसका जो है देखिए पहले सील के रखा है, ये सिंगल है, सिंगल स्पीकर है, इसके लिए सिंगल ट्रांजिस्टर लगाया है, इसका सिंगल नहीं तो डबल लगाएंगे तो ये दोनों के काम लगाएंगे। उसके पास देखिए ए वाला जो है, ठीक है, पॉजिटिव यह भी लगा सकते या भी लगा सकते। चलिए क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर का जो एक नंबर पिन है वहाँ पे एक लीड लगा देता हूँ, एक केबल का, ठीक है, और जो थर्ड नंबर पिन है वहाँ पे एक लीड लगा देता हूँ, एक केबल का हमने लगा दिया। लगाने के बाद देखिए अभी थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, देखिए स्पीकर भी रेडी है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। अभी देखिए ये वाला एडोप्टर को हम करंट पे लगाएंगे, लगाने के बाद चेक करेंगे, देखिए हमने चेक कर दिया, साउंड नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्पीकर का नेगेटिव पॉजिटिव अलग हो गया इसलिए ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए हम, और ये वाला भी शायद अलग हो सकता है और इसको वॉल्यूम भी दे सकते हैं, देखिए आपको चेक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले इस कवर लगा के रखा था इसलिए कनेक्शन नहीं मिल रहा था, इसका जो दोनों है ना इसलिए एक पा रहा था, इसका थोड़ा सा पा रहा तो साउंड थोड़ा सा कम हो रहा है। तो देखिए ऐसे दूसरा हमारा मोबाइल है उससे हम देखिए अभी आपको बजा के दिखा रहा हूँ, देखिएगा इसके तरफ, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और ये भी देखिए हमने कनेक्शन भी लगा दिया
और देखिए इसका प्लस माइनस कोई नहीं, कुछ भी लगा लो, ग्राउंड लगा लो, प्लस कोई भी लगा लो, कोई भी स्पीकर का कोई प्लस माइनस नहीं, फिर भी आपके पास प्लस माइनस लिखा होगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो हमने इसलिए बता दिया। तो चलिए हम देखते हैं अब इसको म्यूज़िक कैसे देते हैं, ठीक है, तो सुनिएगा। बंद कर देता हूँ, ठीक है, देखिए इतना साउंड हो रहा है और ये हीट हो रहा है, बहुत ही हीट हो रहा है। तो इसके पीछे आप थोड़ा SMPS का जो फ़ैन होता है वो भी लगा सकते हैं, 12 वोल्ट का जो इसका जो पावर सप्लाई जो 12 वोल्ट का है तो फैन भी 12 वोल्ट का चलेगा आराम से, ठीक है। और देखिए इसमें ब्लूटूथ लगा के आप और भी, ये तो ऊपर का हो गया, और भी जो छोटा छोटा जो है ये दोनों लगा सकते हैं इस यहाँ पर, देखिए ऐसे मॉड्यूल लगा के इसका दोनों स्पीकर लगा सकते हैं, यहाँ पर तो एक है, दोनों लगा के इसका आउटपुट जो है इसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, इधर कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लूटूथ का काम करेगा, ठीक है, ब्लूटूथ काम करेगा और ये भी साउंड देगा तो अच्छा से बजेगा, ठीक है, दोनों एक साथ बजेगा, ये मॉड्यूल जो है इसको बजाएगा और इसका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो आउटपुट होगा तो इसमें कनेक्शन कर देंगे जो ये दोनों में, तो ये स्पीकर ऊपर जो बजेगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।